ना जे भरवा करेला ट्राई करो नई रेसिपी है मई हाव हाव लेकिन भरवा में कछु भी भर दियो ना तो करेला पनीर ना बन जाते ना ना अपवा बड़ी टेस्टी बने है करेले एक बात है बहू के हाथ में बड़ो टेस्ट है को ठीक है ठाक तो बनाती है ऐसो कछु हमने थोड़ी कही है कछु और हैं हाँ? ठीक है ठाक अच्छो बनाती है अरे खुल के तारीफ कर अब यही में जिंदगी बर्बाद कर दें अरे जीवन में इसे भी आगे उठने <laughs> दोस्त से सुन लि इलाहाबाद से शादी करीब माने पता बेटी क्या करत? करत है घर में गुजा लहसुन भी बनाती है और साथ में बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर है अब आएं। अब यहाँ प्रमोशन बहुत सारो पूरी फैमिली के लेके गई फर फ्लाइट को टिकट देखो तो हम का काम ना करते का? बापू

मम्मी सुबह से शाम बस काम करती रहती है पूरा दिन काम पे लगी होती है हमारा कितना ख्याल रखती है मम्मी और आपको क्या आपको क्या काम क्या है और आप बस जाके थाने में बैठते हो और मनोहर पान खाते रहते मनोहर 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 और कुछ आता है आपको यहाँ पे आके राजेश 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 और कुछ नहीं आता आपको हाँ हाँ हम हाँ, तो मंगल ग्रह से आई ना हमें तो कचु पता ही नहीं ना ज्यादा वकील मम्मी को समझ गो कब बकवास कर रहा है अरे जो चीज अच्छी अच्छी है बाको अच्छी बोलेंगे ना ना तो हमने का कर रही ना काम ठीक है एहसान ना कर रही ज़्यादा ऐसे ना बताओ कि हम तो सारो गुं छीन ले अरे हम बाहर काम कर रहे जी हाउस वाइफ तो तो है, तो है, है, तो है तो घर संभाल रही एक घर संभालते हुए दूसरो पैसा कमाते हुए चार पैसा आते हैं तब गुं लस्सुन आते है तो ठीक है ना ये कौन सी बड़ी बात है दोनों अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे चढ़ो ना ज्यादा तुम्हारे दोस्त की बीवी कौन सा मंगल ग्रह में बौराके छोड़त है हां जो हमसे तुलना कर रही हो तुम फर्क है दोनों में बहुत फर्क है बाबा देखो वो घर को काम भी संभालती है इनकी तरह बराबरी से लेकिन बाहर को भी काम कर रही कंपनी में मैनेजर है तो फर्क है ना अच्छा कछु फर्क ना है वो हमारी तरह लड्डू खुरमा मटरी खीर सब बनाए लेते का हा? तुम्हारी अम्मा के ताने सुन के हंसी खुशी पूरे परिवार को संभाल लेते तुम्हारी नौठैन को संभाल बो तुम्हें संभाल बो खुद की सेवा करो नहीं कर लेते का वो हाँ ये सब काम नौकरानी भी कर सकती है जोन की हम बात बता रहे ना माने ना है नौकरानी <laughs> जी जी तुझे चुटकी में गिना देना काम करमा भरमा सब सब काम नौकरानी करती है लेकिन वे बाहर के काम भी करती है समझ गई? ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है वाह मतलब हम जो करते हैं, वो एक नौकरानी कर सकते है ना सुन रही हम्मा तुम नहीं हमारी तुलना जो कर रहे हैं नौकरानी से हम जो कर रहे हैं वो कछु है ही नहीं है कछु वैल्यू ही नहीं है, है ना

बहू अम्मा हमें कुछ बात ना करनी प्लीज जाओ से। चल अच्छा बात ना कर पर बर्तन का ही तोड़ रही है <laughs> देख बहू हमें पता है कि जे पागल ने बहुत ही उल्टा सीधा कह दो अरे नाक कटवा दी बाने हमारी नहीं हम नौकरानी है का, हमारे काम की वैल्यू ना है अरे जी, तो दिमाग खराब होगा काम में हमने करी, से? ना? ना करी ना कैसे अम्मा हमें खुद बहुत शौक है मशीन तरह हम लगे रहते जा, जाको मतलब ये नहीं है कि हमारे दिल की जगह मशीन फिट है उनने कैसे कह दी कि वो काम नौकरानी कर सकते ना ना तू गलत ना बोल रही है और हमें का बता रही है हमें पता ना है कि तू पूरा दिन भर बच्चों के पीछे घर को काम सब लगी रहती है और जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो हम तेरे पीछे लग जाते हैं कि बहू चाय पिलाना मुंह भले ही टेढ़ो करती है पर पिला देती है अम्मा का इस समय खुशी होता है तुम लोगों को खुश रखनो हमाओ फर्ज है हम पीछे नहीं हटे हैं बात से लेकिन तुम्हारे लाल बहू ठीक है तो सबको खुश करती है पर तो को भी खुश होने का अधिकार है गो

वो काम ना करती है कितनी गलत बात है अब देखो जितनी भी हाउस वाइफ है अगर अपना हाथ उठा दें तो दुनिया के सारे दफ्तर ना बंद हो जाएंगे तालो लग जाएगो मोटो। अम्मा मन तो कहते उनके मुंह में ना बेलन ठूस दे लेकिन अम्मा हमारे जे विचार ना है लेकिन तुम्हारे लाल के हमारे बारे में बहुत अलग विचार है चिंता ना, ना, ना कर आने दिन ना से पीटे को हम बाके विचार बदलेंगे गलत फहमी में जी रही हैं अम्मा बहुत मोटी चमड़ी के हैं बे कछु असर नहीं हुई है अरे तो हमें कहा समझती है अरे हम ना बाकी नींबू निचोड़ नी देंगे और सिकंजी बना के पिलाएंगे तो को हाँ। उसे ऐसो सबक सिखाएंगे कि याद रखेगो हाँ आराम से बर्तन कर और सुन ना ना चाय रहेंगे दे हम ना पिएंगे अब चाय ठीक है तेरे लाने बना दे जो बता हाँ हम एक चीज नोट कर रहे हैं कि तू आजकल कल उठा तो हम फोन ना उठाते है कहा बिजी रहते है तुम बेटा हम तुम्हारे ना लंगूठिया दोस्त हैं तो हमारे अंदर भी तुम्हारे साथ रह रहे के ना तुम्हारी आदते शामिल हो गई इसीलिए हम तुम्हारे चक्कर में हम भी आलसी हो गए हम भी कामचोर हो गए निछावर खोर हो गए उसको बात 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 समझ <laughs> अरे मजा कर रही थी मावल तक लाइट हो जाए ना जा वजह से बेटा हमें कभी कभार ये नहीं समझ में आता यार कि हम जो है ना अपने ही पैसे की शराब लाते हैं है। तुम आते हो हमारे पास हमेशा सालों से हमारे पैसे की शराब पीते आए हो और उसके बाद हम यहाँ पर अपने पैसे की शराब पिलाते पिलाते हम अपनी बेजती भी बैठ के करवाते हैं है ना बेवकूफ अब बुरा लग गए हमें जब बेजती नहीं है जो तो हम लाड़ आए बे प्रेम आए लेकिन तुमने अभी भी बात टाल दी ना तुमने अभी भी ना बताओगे कहाँ बिजी रह तू है, है? विमलेश के अलावा भी कौन हूं है जी के सीने से से लगाएं क्या है बेटा ऐसे गुरु उल्टे हाथ का मारेंगे एक तुम <laughs> मतलब बिमलेश जो है हमारी पहली प्रेम और आखिरी प्रेम जीवन की वही है हम स्वयं बिमलेश हैं बिमलेश के अलावा हम किसी के बारे में नहीं सोच सकते अरे यार वो तो हम डॉक्टर के वो डेंटिस्ट के पास गए थे दांत में थोड़ा सा दर्द हुआ तो वही दिखा अरे जो सब तो लगो रहे वो ऊं तो डाड़ उखड़ गई कौन दांत अंदर सुन आगे का भाव आगे का वो का वहाँ गए हाँ। डॉक्टर तो बोल के चला गया नर्स जो थी बहुत टाइम लगा दिया उसने अभी तक दर्द काफी ज्यादा कम नहीं हुआ है दर्द को मारो गोली तू बड़ो लकी है नर्स से मुलाकात हो गई तेरी नर्स ऐसे तुम बोले जैसे भगवान से मुलाकात हो गई नर्स से मुलाकात हो गई इस पर कौन सी खुशखुशबंद की बात है अरे। <laughs> नर्स से मिलना भी बड़ो सौभाग्य की बात है भैया तो पता है ना हमें नर्स कितनी पसंद है बताओ छिछोरे आदमी हो साले एक नंबर सकल से <laughs> हमें बचपन से सच में यार नर्सें बड़ी पसंद है अभी ऐसे हाथ में ले रहे रहती ना इंजेक्शन <laughs> मन करता हुए पूरे शरीर में हमें इंजेक्शन घोंप दें अच्छा हाँ तुम्हारा अपन जब साथ में कॉलेज में तो एक नर्स के साथ तुम्हारी गप्पा हाँ, पंचायत थी ना अब याद आई तुम्हें <laughs> तो समझ रहे हम गलत तो नहीं बोल रहे असल में नर्सन में है कछु बात होलोला जा तू मन उन्हें देख के यार तुम अगर चाहो गुरु तो तुमको हम फटाक से नर्स के सामने ला सकते हैं तुम कैसे देखो क्या है तुम राजेश के सामने जाके यही जो नर्स के बारे में हुल हुला जाते हो कब इंजेक्शन इंजेक्शन उंजेक्शन क्या सब कुछ ये सारी बातें खुल के बोलो राजेश तुमको जूता उतार के भिगो के जो कुत्ते की तरह मारे घसीटते घसीटते तुम्हारे बॉडी के जो हाल हो जाएगा ना तुमको तुरंत जो है अस्पताल में जाना पड़ेगा नर्स के सामने खड़ा होना पड़ेगा डॉक्टर उदास कैसे हो भाई ठीक हो राधे राधे अम्मा जी हो भाभी जी बड़े दुख की बात है आप दोनों तो हष्ट हैं। है ए? जा में दुख की का बात है वैसे कैसे आना हुआ क्या हप्पू सिंह का देहांत हो गया ना सपीटे का बकवास कर रहा हुआ पगलाया गया का युका? हा? जो अनाप शनाप बक रही हो अनाप शनाप तो लोग कहते हैं मैं तो केवल सच की छवि दिखाता हूँ <laughs> कोई दुख की खबर है या सब ठीक है जब सब ठीक हो तो तो कहीं आते आपके पास ये भी सही कहा फिर बताइए अम्मा जी को कौन सी नई बीमारी हुई है इं? क्या आपको कार्सिनोमा हुआ है? का तो है कैंसर ना कैंसर हो तेरी अम्मा को अरे तेरे गुर्दे निकाल के ना मैं कूट कूट के कैंसर भर देंगे बामे हमें कैंसर बता रहे हो। मुझे बड़ी खुशी होगी <laughs> खुशी बाद में कर ले पहले हम जिस काम के लाने आए हैं वो बात सुन सुनाइए दरअसल हमाओ बेटा हपुआ गलत रास्ते पे निकल गया है। बाप को सही रास्ते पे लानो है। अम्मा जी जो गलत राह पर चला गया वो चला गया। हुँ? उसे कौन सही कर सकता है? अरे आप कर सकते हैं अगर हाँ। आप हमारी मदद करें तो। देखिए अम्मा जी मुझे उम्मीद तो नहीं है कि मैं किसी की मदद कर सकता हूँ या आपके बेटे को सही राह पे ला सकता हूँ नर्स की जाब दे दो तुम कछु दिन के लिए। नर्स का जॉब हाँ, तो, कल से। पर मुझे नर्स की कोई जरूरत नहीं है नहीं तो डॉक्टर साहब हमने कौन सी नर्स की ट्रेनिंग असल में ली है वो कहा है कि हमें ना दरोगा साहब को ना इलाज झूठो करन नाटक करने पड़े तो आपको ना हमें जॉब पे रखने वैसे तो मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ हाँ, हाँ। पर मैं इस जिंदगी में किसी की कोई मदद नहीं कर पाया इसलिए आप मुझसे कोई उम्मीद ना रखे नीठ अभी तक तो हम सही तरह से बोल रहे थे तू हमारी मदद करेगा उठ के तेरे नींबू निचोड़ नी दे ओके, okay. मैं तैयार हूं थैंक यू चलो चलो राम नाम सत्य है तेरा होगो चल जीता रहे। अरे चिल्ला चिल्ला जोर जोर से बेचारा भाई मेरा अरे उन्होंने कचू जुगाड़ लगा हुआ है ठीक है जाएगा तुम्हारा दिमाग खराब होगा कर रही नहीं कहो दिमाग खराब हो तुम्हें दिख ना रहा हो क्या कर रही है अरे वो तो हमें देख रहा हूँ लेकिन खुद रही दा दादा डॉक्टर के फोन का ना करो

मैं कह रही हूँ कुछ लेने के देने नहीं पड़ेंगे क्योंकि मैंने सब कुछ सर्च करा था और ममा एकदम सही कर रही हैं सब कुछ तू तो का इस आ रहा है का है बहू को पता करना करना है अरे अम्मा साड़ी ना बांधनी पट्टी बांधनी है हमारी बात ही ना समझ रही हड्डी की खसक गई तो राम नाम सत्य है <laughs> अम्मा जी हो आप अभी तक जिंदा हैं <laughs> नास पीटे हमें का मारू है मरे तेरी डॉक्टर साहब देख रहे को हाल तो बातें ना करो खैर हम इस खुशखबरी का वेट करेंगे दुख की बात तो ये है कि मुझे आने में थोड़ी देर हो गई अरे देर थोड़ी देर ना हो गई आपको ज्यादा देर हो गई तो देखो घरेलू इलाज चालू होगा फिर तो पैर काटना पड़ेगा <laughs> <laughs> का काट पड़ेगा का, का मतलब है? ए, जागो अरे जो पहले होलो ला रो एक ऐसी टाइम पर आए तो ना फैलाओ तो ना लौंडा को देखो टांग कहाँ है अरे नास पीटे तेरी आंखें हैं कि बटन इतनो मोटो चश्मो लगा रखो है फिर भी ना दिख रही कि टांग कितने है इतने है कि टांग अम्मा जी मैं तो आपका चेकअप कर रहा था कहीं आपकी आंखों में मोतियाबिंद तो नहीं है नास पीटे हमने कहो हमारा चेकअप कर और मोतिया बिंदो तेरी आंखों में तेरे आंखों के नींबू निचोड़ नी देंगे हम तुम शांत हो जाओ हर टाइम पे नींबू नींबू एक सेकेंड अरे तुम पहले लौंडा को देखो एक बार प्लीज कोकी किसने बांधी जी 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 को शौक चल रहा हुआ हमें पता है तो करेक्ट बिल्कुल गलत बांधी हुए जाने बड़ी दुख की बात है कहा ये गलत नहीं बिल्कुल सही बांधी है ऐसा लगता है जैसे इन्होंने कोई मेडिकल ट्रेनिंग ले रखी है हैं? डॉक्टर आपको क्या कह कहने को मतलब है कि जोन रज्जू ने पट्टी बांधी है लौंडा को ब करेक्ट बात ही है जैसे कछु दिक्कत ना होगी लोंडा को नुकसान तो हो ही जाता पैर भी काटना पड़ता है हाँ? हाँ बस पर बड़े दुख की बात यह है कि इन्होंने बिल्कुल सही समय पर सही तरीका अपनाया हाँ, हाँ। जब दुख की बात है <laughs> अरे आप जो बताओ कि कछु मतलब दिक्कत तो ना हो जाएगी जब जा ठीक ठाक बंधी है सच में बंधी है रज्जो ने सही से बांधी है डॉक्टर मैं हूं या आप 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 ही हूँ तो अपनी बतलून में रहिए भाभी जी आपने ये सब कहाँ से सीखा है डॉक्टर साहब शादी के पहले हमने नर्स की ट्रेनिंग करी थी तुमने जब हमें आज तक ना बताई तुमने कभी पूछी ना तो हमने बताओ ना भाभी जी बड़े दुख की बात है कि आप मुझे बिल्कुल सही टाइम पर मिली हैं। मेरी क्लिनिक की नर्स किसी दूसरे डॉक्टर के साथ भाग गई है नहीं? तो तो, तो 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 मुझे अर्जेंट एक नर्स की जरूरत है अगर आपके पास टाइम हो तो कल से ज्वाइन कर लीजिए अरे नाना डॉक्टर साहब तो बस ऐसे ऐसे ही ही? भाभी जी आपको पता नहीं है आपके अंदर एक ट्रेंड और एक्सपर्ट नर्स छुपी हुई है जो बड़े बड़े पेशेंट को ठीक कर सकती है <laughs> आप जिस क्लिनिक को ज्वाइन करेंगी उसकी तो किस्मत बदल जाएगी आपके हाथ में वो जादू है कि मरीज हे हे हो हो हा हा गाता और नाश्ता निकल जाएगा चल तो, और कौन कौन से होनर हैं तुम्हारे तो भाभी जी मैं हाँ समझूं अरे? अरे नाना डॉक्टर साहब हम आपको सोच के बताइए कई अम्मा हाँ हाँ बहुत सही कह रही है वैसे मरीजों का इलाज करना बड़ो पुण्य का काम होता है लेकिन बहु सोच के कल बता दे ठीक है मैं चलता हूँ अच्छा। वैसे अम्मा मैं वेट करूंगा। का? आपके राम नाम सत्य का ना पीटे तो को ऊपर पहुँचा के ही हम टाइम बोलने वाले हैं समझ गो अरे तुम जाओ डॉक्टर साहब डॉक्टर मनहूस

So you telling me everything, okay? Because me knowing there is something and you hiding. Yes, kid You're my friend, but you only my friend. Not too much friends. Come, Les. You should be proud and you should be happy that me is your friend. Me is your only friend. Of course, me is lucky because you my friend. But when me going near the people for making my new friend, then making you turn. And disappear like horns from the donkey head. क्या बोल गए? अरे यार मैं जैसे नए दोस्त बनाने के लिए जाता हूँ ना तो वो लोग ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से एक्चुअली यू ओनली जस्ट जस्ट प्लीज शो मी मी नॉट गेटिंग गायब यू नो द रीजन बट यू नोटिंग मी प्लीजिंग मी ट्रूथ राइट ना कमलेशमलेश Your face is the problem. <laughs> if, if you're going to somebody, you No, no, everybody told me that you're looking very handsome. Why are you saying bad words about me? Yaar? Kamles, yes, you're handsome, but you is handsome mala you're a beggar. you telling me why? What is my face in my problem? Kamles, not only your face, your whole body is problem. Oh my god, my face also full my body. <laughs> you're not knowing the value of my face, of my full body. One day me becoming very famous guy and so many peoples standing and fronting or me long long time and that time me not giving any money, Sunny, any prize. You know cat, every dogs big coming. Comrades, why you calling yourself Kutta? Can you throw me? You throw me again, again on the road pay, but me standing like a true winner goodbye forever <laughs> kamlesh where are you going are I giving my back kamlesh where are you going with my back kamlesh <laughs>